जहानाबाद के सदर अस्पताल में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है, जहां इलाज कराने आए एक मरीज ने कुत्ते की तरह हरकत करनी शुरू कर दी। मामला चंडोस थाना क्षेत्र के चिक्सी गांव का है, जहां किशोर पासवान नाम के एक शख्स को पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद परिजनों ने किशोर का इलाज नहीं कराया और धीरे धीरे किशोर के शरीर में रेबीज का वायरस फैलने लगा। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए, जहां किशोर की हालत नाजुक होने लगी और वहां पर मरीज अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहीं परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही करने के आरोप लगाए। लेके आए थे जहानाबाद सदर हॉस्पिटल में, यहां से रेफर किया गया है पटना। पहले कहां दिखाया था? पहले हम लोग पालीगंज में दिखलाया था। पालीगंज से कोई बेनिफिट नहीं मिला, 3-4 सुई हम लोग दिलाया, उसमें पैसा जीता है 300 या 500, 800 ऐसे करके। उसके बाद आज आप लोग सदर अस्पताल? आज हम लोग जहानाबाद सदर हॉस्पिटल में आया हूँ। जहानाबाद हॉस्पिटल में भी बहुत ही लाचार और बहुत ही अफसोसजनक दुर्घटना है। अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद इलाज नहीं हो पाया और इस वजह से मरीज की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। कुत्ता काटा हुआ जो मरीज आया था, कॉम्प्लिकेशन था डायबिटीज का, 20 दिन पहले का हिस्ट्री था और उसमें जो है वहाँ पर एंटी जो रेबीज है वो नहीं लिए और इसलिए जो है कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, ऑनसेट हो गया डायबिटीज़ का। प्रोग्नोसिस बहुत पुअर उसका है, 100% मोर्टैलिटी है, मैंने बता दिया उनको और उनको रेफर कर दिया गया PMCH, जो दवा हम लोग दे सकते हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद मरीज को PMCH रेफर किया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।